अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऐसे कुछ टिप्स याद रखिए जिससे आपका फ़ोन खराब ना हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं एंड्रॉयड डिवाइस में। तो पहली चीज़, फ़ोन को जब आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करते वक्त चार्ज में लगा कर गेमिंग ना करें, क्योंकि जब आप चलाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस से लगा होता है वो भी हीट होता है, और साथ में जब आप लगाते हैं तो वो उसके साथ आप देखते हैं फ़ोन चार्ज चार्ज होता है बहुत हीट हो जाता है नीचे से, तो आप डबल हीट कर रहे हैं, तो इसको वो भी दिखते रहिए, ऐसा ना करें, ट्राई करिए। मैंने तो नहीं करता सर, आपको भी अगर लगे तो आपको भी अच्छा है। स्टोरेज, आपका स्पीड, रैम, रोम, तो आपकी जैसे 128 GB है इसका, तो 128 से आप इसमें 110 यूज़ कर लिए, 115, 125, इससे क्या होगा आपकी स्पीड कम हो जाएगी रैम, तो उससे आपका हैंग मरे। ज़्यादातर कोशिश करिए कि 100 से कम ही रखें स्टोरेज, जितना भी 64 है तो 20 यूज़ करें, 30 यूज़ करें, और 32 है तो 16, 17, 18 यूज़ करें, तो ट्राई करें ऐसे करने का। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप हमेशा अपने फ़ोन में फेस लॉक लगाएं, फेस लॉक लगाने से आपके फ़ोन में सिक्योरिटी अच्छा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, फेस लॉक ही नहीं, एक हार्ड सा पासवर्ड लगाएं, और पासवर्ड याद रखने के लिए जो लिख लें फिंगरप्रिंट लगा दें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लगाने के बाद आपका फ़ोन और सिक्योर हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका अपने फ़ोन में फाइट माई डिवाइस ऑन रख ले, इससे क्या हो आपका फ़ोन जब भी आपका चोरी भी जाता है तो आप इसे देख सकते हैं कहाँ पे है वो भी फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन अभी, तो इससे आपका शायद आप पुलिस को बोल के पकड़ सकते हैं। और हमेशा एक अच्छा सा चार्जर खरीदे, चाहे वो मतलब कंपनी का अच्छा वाला चार्जर, सब चेक करके इसके डिटेल सब है, और तभी ले, क्योंकि ज़्यादा केसेस में क्या था चार्जर हीट होके, एक बार मेरे घर में मैंने एक चार्जर खरीदा था चाइनीज़, वो लगाया मैंने ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए और वो वहीं पे ब्लास्ट, तो ये मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, तो आप भी ध्यान रखिए। केबल, केबल में जो है कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट आजकल सब लोग बोलते हैं केबल में अब तक हैकिंग हो जाती है, वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं उसमें कुछ केबल से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कुछ चिप से डेटा कलेक्ट करते हैं। आपका पावर बैंक, जो भी कैसे भी आप गाड़ी चला रहे हैं आप कोई आ जाए, ये सर पावर बैंक MI का, ओप्पो का, रियलमी का, पता नहीं किसका चाइनीजी का, तो उसमें क्या है पता नहीं क्या क्या डाला रहेगा, चार्ज तो होगा लेकिन अच्छा नहीं, वो पता नहीं फिर ख़राब हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा, उसका ध्यान रखिए। और आप जो करते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं ऐप्स जो आपके बैकग्राउंड में खुलते हैं आप क्लियर कर देते हैं कि थोड़ा स्पीड हो जाए मोबाइल, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा जिससे आपका फ़ोन जो है ना, वो जब वही ऐप बाद में खोलेंगे जैसे गेम अच्छा वाला, तो वो गेम काम करना अच्छे से बंद कर देगा, फिर ऐसे लैग करेगा, इससे तो जानती है, ऐसे कभी कभी करिए, मैं तो जाकर हटा देता क्योंकि मैं तो गेम नहीं खेलता उतना ना। बैटरी, जी हाँ, मैं तो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, आज जब बैटरी लगाते हैं गाड़ियों में किसी में भी छोटा वाला जाते हैं वो लगाती है, थोड़ी देर ऐसा आ जाता है इसका हालत सड़ जाता है, ये पता नहीं क्या हो गया तेल तेल, ये नहीं होने के लिए जैसे यहाँ पे दो बैटरी लगाते एक बैटरी निकाल दीजिए, बस एक या दो तीन निकाल दीजिए एक बैटरी, और इसके बॉक्स में रख दीजिए, अब रहेगा आपको कभी सड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी जब ये अपने आप वर्क भी करता है, आप यूज़ नहीं कर रहे जबकि इसका बैटरी अपने आप खा रहा है, और खाते खाते ये पूरा ख़त्म कर देता है, जंग रह जाता है अपने आप। एक बैटरी रखें जिससे पूरा लाइफ चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, तो इसका भी ध्यान रखें। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर लिए वहाँ पे ऐसे डालें, इंसर्ट किए, गेम डालें, फिर उसमें खेलें, फिर अपने दोस्त को बोलें ये वाला बहुत अच्छा गेम है, वो उसमें लिया मतलब कॉल करते वक्त ऐसे ऐसे गेम मैंने खेला, तो वो आप इसमें डालें, फिर वो किया, वो भी खेला उसको भी अच्छा लगा, वो किसी और फ़ोन किया,
और ऐसे करते करते वो सबको बांटेगा, तो एक बांटते बांटते क्या होगा कि एक वायरस वायरस घुस जाएगा एक दूसरे में, गेम्स में वायरस घुसने से पता है क्या होगा, कंप्यूटर काम करना बंद हो जाएगा, कंप्यूटर तो यहाँ पे बंद हो जाता है काम करना वैसे। स्क्रीन गार्ड आजकल फ़ोन स्क्रीन गार्ड पहले से लगा के देते हैं, लेकिन वो यूज़ ना करें क्योंकि वो गिरते ही स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, उसके अंदर के स्क्रीन भी टूट जाते हैं। तो मार्केट से मोटा वाला स्क्रीन गार्ड यूज़ है, थोड़ा मोटा जो आता है अच्छा वाला वो यूज़ करें, स्क्रीन भी प्रोटेक्ट रहेगा और पूरा काम भी ठीक करेगा। गेमिंग मोड, जब आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलते ही आपको एक आता है अल्ट्रा गेम मोड, अल्ट्रा गेम मोड ऑन करने से आप गेम खेलें, लेकिन उसे जो है यूज़ ना करें जब आप नॉर्मल ऐप्स उस वक्त ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ना करें, उसे ऑफ कर दें बाद में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। लगता है IPS LCD और AMOLED, AMOLED लेंगे तो AMOLED में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जो है लाइफ टाइम इसकी कम होती है, और कैसे होती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और लेकिन जब IPS लेंगे तो IPS में 4 to 6-7 ईयर्स तक आपकी लाइफ टाइम रहेगी स्क्रीन की, वो तो अगले वीडियो किसी में बताऊँगा कि दोनों में अंतर क्या है IPS और AMOLED में, वैसे बहुत अंतर है।